हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म नानू की जानू। फिल्म के लीड रोल्स में है अभय देओल, पत्रलेखा, मनु ऋषि और राजेश शर्मा। एक कैमियो रोल में नजर आएंगे मनोज पावा, साथ ही साथ एक आइटम सॉन्ग करती नजर आएंगी सपना चौधरी। फिल्म का डायरेक्शन किया है फराज हैदर ने। चलिए एक नजर डालते हैं फिल्म की कहानी पर। नानू जो कि प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का काम करता है और इस काम में उसका साथ देते हैं उसके तीन दोस्त। ये लोग कहीं पर भी फ्लैट किराए पर ले लेते हैं, उसके बाद डरा धमका कर कुछ पैसे देकर उस फ्लैट के ओनर से वो फ्लैट अपने नाम करा लेते हैं। नानू एक बार जब कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में एक घायल लड़की मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते तक वो लड़की दम तोड़ देती है। इसके बाद किस तरह से वो लड़की भूत बनके नानू के फ्लैट में रहती है और उसके लिए परेशानियां खड़ी करती है, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखें। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। एक्चुअली इस फिल्म का थीम समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ना ये हॉरर फिल्म है, ना ये कॉमेडी फिल्म है और ना ही फिल्म में कोई रोमांस है। किसी भी फिल्म का एक थीम तो सोच के चलना ही चाहिए कि ये फिल्म थ्रिलर है, ये फिल्म सस्पेंस है, कॉमेडी है, बायोग्राफी है या फिर कोई मैसेज दे रही है। ये सब तय होने के बाद ही एक फिल्म बननी शुरू होती है, लेकिन यहाँ सब नदारद है। कहने को तो ये कॉमेडी हॉरर फिल्म है, लेकिन यहाँ कॉमेडी और हॉरर दोनों ही डिपार्टमेंट में फिल्म एकदम बिखर गई है। फिल्म के एक सॉन्ग में सपना चौधरी को भी लिया गया है और ऐसा क्यों किया गया है ये मैं और आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज के वक्त में सपना चौधरी एक फेमस सेलिब्रिटी हैं, तो फिल्म मेकर्स ने सोचा होगा कि उनके नाम पर तो लोग फिल्म देखने थिएटर में आ ही जाएंगे। लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि सपना चौधरी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई हैं। उनके लाइव शोज इससे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। पूरे सॉन्ग में अभय देओल की थोड़ी बहुत लिपसिंग तो समझ में आती भी है, लेकिन सपना चौधरी की लिपसिंग उफ, वो क्या गा रही हैं, पीछे सॉन्ग क्या बज रहा है कुछ समझ में नहीं आता। सपना चौधरी और अभय देओल के साथ में कुछ स्टेप्स तो अच्छे लगते भी हैं, लेकिन जहां सपना चौधरी सोलो स्टेप्स करती है वो एकदम फीकी नजर आती है। फिल्म के डायरेक्शन स्क्रीन प्ले में छोटी बड़ी बहुत सारी गलतियां हैं जिसे आप भी इजिली पकड़ लेंगे कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। हॉरर के नाम पे कुछ हॉलीवुड के इफेक्ट्स डाले गए हैं और ये इफेक्ट्स भी फिल्म में कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल पाते। अभय देओल की एक्टिंग की बात करें तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द जीनियस एक्टर, लेकिन अगर डायरेक्शन और स्क्रिप्ट ही साथ ना दे तो फिर एक्टर भी क्या करे। अभय देओल के लिए इतना ही कहूंगा कि ये उनका एक बैड सिलेक्शन था। पत्रलेखा की बात करें तो इससे पहले वो दो फिल्में कर चुकी हैं जिसमें वो ठीक ठाक नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म में ना तो उनके पास करने के लिए कुछ खास काम था और जो एक्टिंग उन्होंने की है वो भी कुछ खास इफेक्ट नहीं डालती है। राजेश शर्मा अपने किरदार में ठीक ठाक लगे हैं क्योंकि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं, बट सीरियसली अगर इस रोल को कोई एक कमजोर एक्टर करता तो ये एक फनी रोल बन जाता। फिल्म को अगर कोई कुछ हद तक बचाता है तो वो है मनु ऋषि। फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग एकदम परफेक्ट है और कई जगह उनकी कॉमेडी से आपको हंसी भी आएगी। क्लाइमेक्स को इमोशनल बनाने की कोशिश थी लेकिन वो इमोशनल से ज्यादा फनी बन गई। फिल्म में रोड सेफ्टी के लिए कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है जो कि एकदम बेअसर रही है। कहीं ड्राइविंग करते हुए फोन पे बात ना करने की सलाह दी गई है तो कहीं बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने की सलाह दी गई है, बट दोनों मैसेजेस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां ऑडियंस आपकी बात मानेगी। फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास असर नहीं डालता है, लेकिन फिल्म में एक सॉन्ग है जिसमें रोमांस के साथ साथ थ्रिल भी दिखाया गया है जो कि देखने में अच्छा लगता है और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट उस फिल्म का कहा जा सकता है। इसके अलावा फिल्म के कुछ पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है, खास तौर पे हॉरर सीन्स में। सपना चौधरी को फिल्म में रखकर ऑडियंस को थिएटर तक लाने का ये फॉर्मूला एकदम फ्लॉप होता नजर आता है। इस वीकेंड अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं तो इस फिल्म को आप अवॉइड कीजिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 1.5 स्टार्स। Have a nice day.